ममा के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा, थैंक यू सो मच मुझे इस स्टेज पे पहुंचाने के लिए. योर कंसर्न फॉर मी इज़ अनडाइंग. सीइंग मी स्माइल यू फेल्ट लाइक फ्लाइंग. यू ऑलवेज शेड लव इन अबंडेंस. योर फेथ इज़ ऑलवेज हाई ऑन माई प्रिडेंस. वो चीज़ें भी मेंशन की है जब वो एक लड़के पे भरोसा करके जाती है शादी करते, फिर कैसे ही वो पर्सन उसको चीट करता है. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग कश्मीर में आप सबका खैर मकदम. नाज़रीन जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब एक बच्चे के सर से माँ या बाप का साया हट जाता है तो उस बच्चे को दुनिया में बेबस और लाचार समझा जाता है और सब इस फिराक में होते हैं कि कब इससे कुछ गलती हो जाए, इससे कोई ऊंच नीच हो जाए और हम उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर इसको नीचा समझें. लेकिन आज आपकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से कराने जा रहे हैं जो कि महज 20 साल की है, जिन्होंने वाकई में ये साबित कर दिया कि अगर आप में लगन हो, आप में क्षमता हो, आप दुनिया की कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो. और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किताब लिखी है और वो किताब इन्होंने अपनी माँ के लिए लिखी है. किस तरीके से एक माँ अकेले होकर के किस तरीके से वो अपने बच्चे की परवरिश करती है, किस तरीके से एक सिंगल पेरेंट होकर वो अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर देती है. सीधे इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला, मेरा नाम मुस्कान नरगिस है और मैं श्रीनगर के एक टेंकपुरा इलाके से बिल मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ और साथ में ये जो राइटिंग का मेरा शौक़ है ये बचपन से ही था. जब मैं लाइक बुक्स मतलब आर्टिकल्स वगैरह न्यूज़ के लिए लिखती थी या डायरी राइटिंग करती थी या मेरी डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें होती थी मैं उनको मैंशन करती थी, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक पब्लिश्ड ऑथर बनूँगी, मैं बुक्स को पब्लिश करूँगी. फिर उसके बाद 2021 में मैंने सोचा कि ये चीज़ मेरा एक ज़ाती तजुर्बा है, एक सिंगल पेरेंट होना, मतलब मेरी माँ एक सिंगल पेरेंट थी, फिर उसने मैं कैसे इस मुकाम तक पहुंचाया, तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ सोची कि अब मैं इसको एक किताब की शक्ल दूंगी स्टोरी को. तो मम्मा और पापा उनका सेपरेशन हो गया है तो अब हम मम्मा के साथ रहते हैं. तो किताब लिखने का शौक कहाँ से आया? मैंने पहले भी मेंशन किया ये एक अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें तो इंस्पिरेशन मेरी मम्मा है और ये स्टोरी जो है मुझे लगता है कि एक सिंगल पेरेंट अभी सोसाइटी में बहुत प्रिवेल कर रहा है. अब जहाँ भी देखो हर नए दिन एक सिंगल पेरेंट मिलता है, मगर इस चीज़ को सोसाइटी बहुत नेगलेक्ट कर रही है कि उनके साथ क्या चीज़ें मतलब होती है या एक सिंगल पेरेंट की लाइफ कितनी ख़तरनाक होती है, कितनी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती है. तो वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के मैंने सोचा कि मैं इसको कंपाइल करूँगी एक बुक की, इसको मैं शक्ल दूँगी. तो सबसे पहला जो आपने स्टार्ट क्या सबसे पहला जो आर्टिकल है वो क्या लिखा था आपने जब आपने शुरू किया, क्योंकि आपका कहना है कि बचपन से ही आपने आर्टिकल्स लिखना शुरू किया, आपको शौक था राइटर बनने का, तो सबसे पहले आपने क्या? मेरा सबसे पहला आर्टिकल था पुअर्टी पे. मैंने देखा कि कश्मीर में मतलब ऐसे भी बहुत लोग हैं या इंडिया में मेन पूरा मैंने इंडिया को कवर किया था कि बहुत सारी गरीबी है. इस बुक का नाम स्ट्रगल ऑफ अ सिंगल पेरेंट है एंड ये मैंने 15 डेज में ये बुक कंप्लीट की है. ये मैंने स्टार्ट की थी एंडिंग फैब में और 10th ऑफ द मार्च पे ये पब्लिश हो गई थी. तो कैसा रिस्पॉन्स मिला? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन एक चीज़ ये भी है हम सोसाइटी में देखने में ये भी मिल रहा है कि लिटरेचर जो है इसको बहुत नेगलेक्ट किया जा रहा है एंड लोगों में ये रीडिंग का या राइटिंग का जज्बा जो है ख़त्म हो रहा है एंड रीडिंग को तो बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर रहे हैं. तो उस बेसिस पे जितना नेगलेक्ट किया जा रहा है उस बेसिस पे मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है. तो इसमें कितने टॉपिक्स हैं जो आपने लिखे हैं? ये दो पार्ट्स में लिखी हुई है ये किताब. एक पार्ट एक इंसिडेंट को कवर करती है और दूसरा पार्ट सिंगल पेरेंट को कवर करती है एंड फिर उसके बाद इसमें कुछ पोइट्रीज लिखी हुई हैं. जो सिंगल मदर का पोर्शन है उसमें आपने खसूसी क्या लिखा है इस किताब? सिंगल पेरेंट में मैंने यही मेंशन किया है कि उसकी लाइफ में कितने सारे हर्डल्स हैं. मैंने स्टोरी में तो ये मेंशन नहीं किया है कि मेरी मम्मा की स्टोरी है, मैंने इसमें बिल्कुल मैं न्यूट्रल रही हूँ. चाहे वो सिंगल फादर हो या सिंगल मदर हो, उनकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात आती है, कितनी परेशानी आती है एंड फिर सोसाइटी का क्या रोल रहता है, मतलब सोसाइटी कैसे उनको डोमिनेट करती है या उनको नेग्लेक्ट करती है, मैंने वो सारी चीज़ें कंपाइल की एंड सोसाइटी के लिए एक एडवाइस भी दी है कि इनको जितना हो सके उतना आप सपोर्ट प्रोवाइड करें. तो हम कह सकते हैं कि इस किताब में वो कहानी है जो आपके आप पे बीती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा एक ज़ाती तजुर्बा है, ये बिल्कुल मैंने वही लिखा हुआ है, बट न्यूट्रल रह के जो लोगों को लगे, एक रीडर को लगे कि मैं इसके साथ रिलेट कर पा रहा हूँ, वैसे मैंने इस कहानी को मेंशन किया है. तो इसमें वो चीज़ें भी मेंशन की है जब वो एक लड़के पे भरोसा करके जाती है शादी करते, फिर कैसे ही वो पर्सन उसको चीट करता है. वो पर्सन ये भी नहीं सोचता कि अपने घर वालों को छोड़ के मेरे लिए आई है एंड वो उसको उसके बाद चीट करता है. तो वो पहला पार्ट लिखा हुआ है इसमें. तो आपकी मामा पे ये स्टोरी है, दैट मीन्स इस किताब से आपके बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं. बिल्कुल. तो जब ये किताब मामा ने देखी और कहीं ना कहीं आप ये उसको डेडिकेट कर रहे हो, तो
कितनी खुशी उनको महसूस हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगी, जब मैं कोई भी स्टेप लेती हूँ तो मैं पहले अपनी मम्मा से उसके बारे में डिस्कस करती हूँ। तो जब मैंने सोचा कि मुझे एक किताब लिखनी, वो भी सिंगल पेरेंट के बारे में एक ज़ाती तजुर्बा, तो मैंने मम्मा से जब ये बात शेयर की तो शी वॉज़ टू हैप्पी। उसने मुझे कहा कि हाँ आप ये करो, बिकॉज शी नोज़ कि अगर मैं कोई काम करती हूँ तो मैं उसको करके ही रहती हूँ, एंड उसका सपोर्ट ज़िंदगी के हर मोड़ पर मुझे रहा है। एंड फिर जब इसको किताबी शक्ल मिली, ये पब्लिश हो गई सक्सेसफुली, एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि वो कितनी खुश थी कि मेरी बेटी ने मेरे लिए कुछ लिखा है। एंड मुझे भी इस बात पे प्राउड फील होता है कि नहीं, आई हैव डन समथिंग फॉर माय मदर। हमेशा याद रखूंगी जब 10th ऑफ मार्च पे मेरी बुक पब्लिश हुई, एंड आई टॉक टू माय मदर, मैंने उसको कहा कि ऐसे मेरी बुक पब्लिश हो चुकी है। एंड वो स्कूल में थी, वो एक टीचर हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, एंड शी वॉज लाइक, मतलब वो रोने ही वाली थी उस इंसिडेंट पे। तो मैंने बस इतना कह दिया कि अभी आप रो नहीं, अभी बहुत कुछ आने वाला है इंशाल्लाह, एंड बस आप मेरे लिए दुआ करो। तो वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूलूंगी कि उनका क्या रिस्पॉन्स था मेरे लिए। ये चीज़ बताई कि आगे क्या प्लान्स है, कि आप चाहते हैं कि आगे आप और किताबें लिखें, कि आप सिर्फ ये किताब जो आपने सिर्फ माँ के लिए डेडिकेट की है सिर्फ ये किताब लिखना? नहीं, मैंने इस फील्ड को चूज़ किया है तो इसको तो मैं आगे तक लेके जाऊंगी। और मेरा मकसद सिर्फ सिंगल पेरेंट तक महदूद नहीं है, सोसाइटी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको नेगलेक्ट किया जाता है, जिन पे बात करना या लिखना बहुत ज़रूरी है। एंड मेरा मकसद यही है कि मैं अपने कश्मीर को कम अज़ कम रिप्रेजेंट करूँ, अपने कल्चर को, अपने बाकी ट्रेडिशंस को, इनको रिप्रेजेंट करूँ। लोग जो है, स्पेशली जो यूथ है, इन कामों में जब इंडल्ज होता है तो बहुत खुशी महसूस होती है। तो अक्सर सोसाइटी का एक अहम रोल रहता है ज़िंदगी में, अच्छाई के लिए भी और बुराई के लिए भी, क्योंकि सोसाइटी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा ये है जहाँ पर आपको वो आपको सराहना भी करेगी, और वो अगर आपने काम अच्छा भी किया है लेकिन आपको फिर भी डिग्रेड करेंगे और कहीं ना कहीं ऐसा समझेगी कि कहाँ से हम इसको कम, अपने से कम समझे। तो सोसाइटी का जो सोसाइटीज़ है या रिश्तेदार है उनका क्या रोल है? बिल्कुल, मेरा मानना यही है बचपन से अभी तक कि सोसाइटी का एक क्रूशियल रोल रहता है आपकी ज़िंदगी में। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं सोसाइटी में जो आपको सपोर्ट करते हैं, लाइक माय मदर, माय फ्रेंड्स एंड माय रिलेटिव्स, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। या सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा अरे अब एक राइटर बन गई, अब कौन से झंडे गाड़ लोगी। लाइक इट इज़ नॉट अबाउट झंडे गाड़ ना, इट इज़ अबाउट कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है इस चीज़ से, आप कोई मुकाम हासिल कर रहे हो इस चीज़ से। तो ये बताइए कि एक पर्सनल सवाल भी है, कितना मुश्किल है एक माँ के बगैर या बाप के बगैर ज़िंदगी गुजारना, कितना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक बच्चे के लिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं उस बेसिस पे कह रही हूँ। एक बच्चे के लिए माँ का होना भी, बाप का होना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो रोल माँ अदा करती है वो बाप नहीं कर सकता, और जो बाप करता है वो माँ नहीं कर सकती। लेकिन हमारे केस में थोड़ा स्पेशल था, हम लकी बच्चे थे अपनी मम्मा के, जिन्होंने लाइक वो चीज़ देखी जो हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। हमारी माँ ने हमारे बाप का भी रोल प्ले किया, मम्मा का भी रोल प्ले किया, तो उस चीज़ से मुझे लगता है कि हम बहुत लकी थे। तो क्या मैसेज रहेगी यूथ के लिए, आवाम के लिए, खासकर वो सोसाइटी के लिए जो ऐसे बच्चों को बहुत कम समझते हैं, जो समझते हैं कि इनका बाप नहीं है, इनकी माँ नहीं, या जो अक्सर समझते हैं कि वाह ये बेचारे, मतलब बेचारा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? नहीं नहीं, ये बेचारा वर्ड नहीं होना चाहिए। जब तक एक सोसाइटी एक पर्सन के लिए या किसी के लिए भी बेचारा वर्ड यूज़ करती है ना, तो उस पर्सन को भी लगता है कि हाँ मैं बेचारा हूँ। कमी भी आप छोड़िए, कमी की अगर बात हम उसको नेगलेक्ट करते हैं, उसको लगता है कि हाँ मैं बेचारा हूँ, मुझे सोसाइटी चलो मतलब एक सिंपथी जता रहे, तो मुझे और किसी चीज़ की क्या ही ज़रूरत है। आप बेचारा वर्ड यूज़ ना करें, बल्कि आप उनको सपोर्ट करें, इनक्रेज करें। और ऐसे बच्चे जिनका कोई पेरेंट नहीं है, चाहे दोनों ही पेरेंट नहीं या एक पेरेंट नहीं है, उनके लिए ये सजेशन है कि आप बहुत बहुत हार्ड वर्क करें। आप एक लाइक चाहे उनका सेपरेशन हुआ हो उनके फादर मदर का, या उन किसी एक की डेथ हो गई हो, आप बहुत हार्ड वर्क करें। जो भी पेरेंट आपके साथ है उसका नाम रोशन करें, चाहे वो साथ नहीं है फिर भी उनका नाम रोशन करें।